हेलो गाइस, तो चलिए आप लोगों को रिमोट कंट्रोल से कैसे जो ये जो फेवर का नया इलोरा मॉडल आया है, किस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे रिमोट कंट्रोल से, आज इसका फुल वीडियो है। पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग रिमोट कंट्रोल से इजी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये वाला रहा वो वाला मॉडल। तो देखिए अभी इसमें सब कुछ जो है कनेक्शन किया गया है, अभी सिर्फ इसे ऑन करना है। हम रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप लोगों को यूज़ करके दिखा देते हैं। देखिए इसमें लैंप भी यूज़ होगा, लैंप भी आप जला सकते हैं, और हीट क्लीन जो मतलब ऑटो क्लीन ऑप्शन है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडोर जो सेंस होता है मतलब ऑटोमेटिकली जो है आपका स्पीड घटेगा बढ़ेगा सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा सिर्फ एक बटन दबाने से ही। ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं, प्लस स्पीड भी बढ़ा और कमा कर सकते हैं यहाँ से। A1 2 3 करके जो स्पीड इसमें दिया गया है, प्लस देखिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, इसमें आपका 1 2 3 बढ़ेगा और इसमें घटेगा, ठीक है। और इसमें कितना जो बैटरी कहाँ पर लगेगा, कौन सा बैटरी इसमें यूज़ होता है, सभी डिटेल्स आज इसी वीडियो में बताएंगे। तो जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए, फिर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले दिखा आप लोग एक चीज़ बता देते हैं कि कितना डिस्टेंस से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए चिमनी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से हम यहाँ पर खड़े हैं, तो करीबन इसका ही डिस्टेंस है करीबन 6 से 8 फुट डिस्टेंस इसका है, इतना दूर से हम इसे देखिए। और ये जो रिमोट यूज़ जो करेंगे आप लोग, एसी अगर आपका घर में है, अगर एसी चलाते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि एसी जिस प्रकार से मतलब चलाया जाता है, जहाँ पर उसका सेंसर ऑपरेशन जो सेंस दिया रहता है उस जगह में, उस साइड में आपको जो है मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम जिस प्रकार से यूज़ होता है, चाहे आप टीवी चलाते हो या फिर एसी या फिर कोई भी चीज़ जिसमें से रिमोट कंट्रोल से यूज़ होता है, तो उसका एक जगह में सेंसर दिया रहता है उस जगह में, उस साइड में आपको जो कि उसका जो है सामने वाला जो पोर्शन है, ये देखिए लाइट जहाँ पर है यहाँ पर देखिए सामने में, देखिए रिमोट का सामने में एक तो लाइट दिया गया है, तो इसका मुँह एकदम जो जीरो जहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर इस जगह में इस तरफ आपको रखना होगा, तभी जाके रिमोट सही से काम कर पाएगा। अगर आप उधर उस साइड में कर देंगे, इस साइड में कर देंगे, ऊपर में कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो काम नहीं होगा। चलिए लाइव आप लोगों को करके दिखा देते हैं, देखिए कितना डिस्टेंस से हैं हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको चिमनी को जो है ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए आपको देखिए एकदम सीधा है मेरा हैंड, और देखिए यहाँ पर ऑन कीजिएगा तो देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। देखिए हमने एक बार दबाया है, ऑन हो गया, ऑफ करना है तो ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे एक बार दबाएंगे ऑन होगा, एक बार दबाएंगे ऑफ होगा। आप अगर इसको स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको ऑन करना होगा, देखिए ऑन हो गया है। अभी जो है प्लस जो बटन है इसको हम दबाएंगे, देखिए यहाँ पर स्पीड बटन प्लस, देखिए 1 2 3 इस प्रकार से इसका जो है 1 2 देखिए 3 आप लोगों को दिख रहा है, घटाएंगे 1 2 1 हो गया है। अभी इसका लाइट भी आप जला सकते हैं इस प्रकार से, ये जो लाइट बटन है लैंप देखिए यहाँ पर ऊपर वाला बटन, देखिए लाइट जल गया है। अभी इसे बंद करेंगे, देखिए जो फुल लाइट है डिम है और बंद है, मतलब एक बार दबाएंगे तो फुल लाइट में जलेगा और एक बार दबाएंगे तो लो होगा और एक बार दबाएंगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लाइट का भी, और हीट क्लीन मतलब आपको अगर ऑटो क्लीन चलाना है देन आपको लिए जो ये जो हीट क्लीन वाला बटन है लेफ्ट साइड में, देखिए ये वाला जो बटन हीट क्लीन लिखा है मिडिल में, इसको आपको दबाना है, तो फिर क्या होगा 9 मिनट का जो है टाइमर यहाँ पर उठ जाएगा और 9 मिनट टाइम लेके ये अपना जो है ऑटो क्लीन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा 9 मिनट। जब भी आपको ऑटो क्लीन करना है खुद से आप इसे ऑटो क्लीन को दबा के कर सकते हैं। और ऑडोर जो सेंसर और एक जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, खास करके ऑडोर सेंसर किस प्रकार आप इसे यूज़ करेंगे, तो जो कि स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और कमेगा जिस हिसाब से आपका खाना बनेगा किचन में, धुआं जितना होगा और उसमें धुआं का जो स्मेल वगैरह होता है, जितना हीट होता है किचन में, तो उसको सेंस करके ऑटोमेटिकली 1 2 3 स्पीड में गर्म जो हवा होता है उसको बाहर निकालता है।
तो उसके लिए आपको ऑडर सेंसर को एक्टिव करना होगा। सबसे पहले आपका ऑटो क्लीन अगर चालू है तो उसको बंद कीजिए, एक बार ऑन आपको दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। चलिए हम आपको आउटडोर जो सेंस है उसको भी यूज़ करके दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार उसे दबा देना है। एक बार दबा देंगे तो क्या होगा, जो लाल वाला देखिए यहाँ पर जो बटन है वो आपका ब्लिंक करेगा। इसका मतलब है आपका जो है आउटडोर सेंस एक्टिवेट है। ये जब तक ब्लिंक करता रहेगा तब तक आपका स्पीड में, मतलब ये ब्लिंक करेगा मतलब आपका जो है ऑडर सेंसर एक्टिवेट है। और यहाँ पर जो एक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर धुआं ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली वो दो स्पीड में चला जाएगा। तीन देखिए दो स्पीड में चला जाएगा। अभी सामने में जो है यहाँ पर धुना दिया गया है जिसके वजह से उसको सेंस करके ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। तो ऑटोमेटिकली अगर धुआं स्मेल इसमें ज़्यादा मिलेगा चिमनी को तो ऑटोमेटिकली वो 3 स्पीड में भी चला जाएगा। ठीक है, अगर किचन में खाना आप नहीं बना रहे हैं तो आपका चिमनी ऑटोमेटिकली एक ही स्पीड में रेगुलर चलता रहेगा। जब भी आप खाना बनाएंगे उसमें स्मेल वगैरह ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बढ़ेगा और घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आउटडोर सेंस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी इसको बंद करना चाहेंगे तो इस प्रकार से इसे एक बार दबाएंगे तो ये इसका क्या हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है। अब चिमनी सिर्फ 2 स्पीड में चल रहा है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल आप स्पीड में चलाते हैं 2 स्पीड में चल रहा है। अगर उसको आप बंद करना चाहेंगे तो ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक बार दबाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट का जो है डिले ऑप्शन होगा। मतलब 1 मिनट बाद आपका चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर तुरंत बंद करना चाहते और एक बार दबाएंगे तो यह बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है रिमोट कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। करीबन 10 से 15 फीट डिस्टेंस से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम सीधा होना चाहिए। 0 जहाँ पर हो है 3 एंड लाइट का मिडिल में जो 0 और जहाँ पर 1, 2, 3 दिख रहा है एकदम सेंटर में होना चाहिए आपका रिमोट कंट्रोल का लाइट, तभी जाके सही से काम करेगा। नहीं तो साइड से इधर उधर करेंगे तो काम नहीं होगा। अब चलिए ये रिमोट कंट्रोल जो है इसका जो बैटरी कितना बड़ा है और कौन सा बैटरी आप लोग लगाएंगे तो काम करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यूज़ CR2032 बैटरी, इसको इसमें जो बैटरी यूज़ होगा वो भी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। CR2032 जो बैटरी होता है वो वाला इसमें यूज़ करना है तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जो बैटरी जो है बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, मतलब ओरिजिनल जो बैटरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा बैटरी डाले हैं, कंपनी से जब आएगा आपका घर में चिमनी तो उसमें आपको बैटरी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो बैटरी परचेज किए हैं वो 130 रुपया दे के हम लोग ये वाला जो बैटरी लिए हैं। तो आप लोग इसे मार्केट में 20-30 रुपया में भी मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा आपका वहाँ पर मार्केट में कितना रुपया ले रहा है। तो चलिए बैटरी आप लोगों को दिखा देते हैं। थोड़ा सा हार्ड है तो इस प्रकार से आप इसको सामने तरफ खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखो इस प्रकार से निकालेंगे और जैसा हमने निकाला है सेम टू सेम वैसे ही डालना है। और इसका ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से ऊपर में ही रहेगा जैसा लगाया होगा, ये सेम टू सेम लगाएंगे। नहीं तो इसको अगर उल्टा करके इस प्रकार लगा देंगे, इस प्रकार डाल देंगे तो रिमोट काम नहीं करेगा, देख लीजिए सही से। ठीक है, बैटरी का ये वाला हिस्सा हमेशा से ही नीचे रहेगा, नीचे वाला हिस्सा में देखिए ढांचा उस प्रकार ही बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए तो इसमें जो बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं देखिए यहाँ पर मैक्स कंपनी का CR2032H जो है
CR 2032 ही है, लेकिन मैक्स कंपनी का, कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो CR 2032 ही होना चाहिए। मतलब CR 2032 है वही सेम टू सेम यही वाला आपको जो है बैटरी मिलेगा मार्केट में, ठीक है। इसका प्राइस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जितना में आप लोगों को मिल रहा है, तो किस प्रकार आप लोगों को लगाना है सब कुछ डिटेल्स में बता दिए हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने डाल दिए हैं, अभी दोबारा आप लोगों को एक बार चला के दिखा देते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए इस प्रकार से आप इसे देखिए ऑन हो गया है, फिर हम एक दो तीन दो एक लाइट कर देते हैं, एक बार लाइट जल रहा है देखिए, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ छूट रहा है, अगर कोई भी चीज़ समझने में आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।